नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं कहां पर, रामघाट पर, जो उज्जैन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जो सिंहस्थ के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप यदि सुनते हो कि सिंहस्थ में शाही स्नान या स्नान जो होते हैं वो इसी प्रमुख घाट पर होते हैं। यूँ तो काफ़ी घाट यहाँ पर बने हुए हैं, मंगलनाथ में भी घाट बना हुआ है, सिद्धनाथ में भी घाट बना हुआ है, बुकी माता पर भी घाट बना हुआ है, राम घाट भी है, ऐसे गौ घाट भी है, यहाँ पे कई सारे से घाट है, त्रिवेणी घाट है, पर उसमें एक सबसे ज़्यादा जो महत्व रखता है वो है हमारा राम घाट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो शाही स्नान और ये जो रहता है, यहाँ पे जितने भी साधु अपना स्नान करने आते हैं वो राम घाट पर आते हैं। जो सामने हम मंदिर दिखा रहे हैं, ब्राउन कलर का जो शिखर है उसके पास में आप द्वार देख सकते हो। तो ये जो द्वार दिख रहा है यही वो क्या है, राम घाट का मेन द्वार है, वाइट कलर का, जिस पर झंडा या ध्वज लगा हुआ है। तो ये मुख्य राम घाट है जहाँ पर शाही स्नान और ये सभी संपूर्ण होते हैं। तो जाते जाते हमारे भैया को दिखी एक बहुत ही सुंदर तस्वीर, जो कि ज़्यादातर लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, और वैसे मैंने भी किया था, लेकिन हम आपको दिखाएंगे। हम आने वाली वीडियो में माँ हरसिद्धि माता मंदिर के पीछे का इतिहास और भी बहुत कुछ अनकही बातों का विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ रहेंगे प्रियंक नागर जी, और ये जो महाकाल मंदिर के जाने के रास्ते में आपको ये दिखता है, यह बन रहा है त्रिवेणी का म्यूज़ियम, जो कि 350 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, तो इसका भी हम आगे बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।